एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और बिफोर प्रिंट डॉट इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि सारे मोदी चोर है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी के कई नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में पटना की एमपीएमएलए कोर्ट में आज उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उनके साथ गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार की नैया भी डूबनी तय है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने उस बयान से न सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की बल्कि देश के सभी मोदी सरनेम वाले लोगों को अपमानित करने का काम किया है। सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राहुल गांधी इस मामले में एक बार कोर्ट के समक्ष भी पेश हो चुके हैं और फिलहाल बेल पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि पटना से लेकर पूरे बिहार में राहुल गांधी के बयान के बाद लोग मोदी सरनेम वालों का मजाक उड़ा रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने सारे मोदी को चोर कहा था। राहुल गांधी जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करे। तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया, मैंने मुझे बहुत खराब लग रहा था और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में आज मेरी गवाही थी और इस मुकदमे में, इस मामले में राहुल गांधी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने बेल लिया था, वो अभी बेल पर है। तो राहुल गांधी पर जो मानहानि का मैंने मुकदमा दायर किया था आज उसी का, और मेरी गवाही थी तो उनके वकील ने लगभग 45 मिनट तक मुझसे अनेक सवाल पूछे और मैंने यही कहा कि उस दिन जब मैं भाषण सुन रहा था और सुनकर मैं जब कार्यालय गया, बीजेपी कार्यालय गया, तो लोग चर्चा कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। अब तो राहुल गांधी ने कह दिया। जब मैं अगले दिन भागलपुर गया, भागलपुर की सभा में भाषण देकर नीचे उतरा तो लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं, तो मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को ही नहीं है, सारे मोदियों को। तो इसलिए मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। मेरे वकील एसडी संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग जो हैं, तो आज राहुल गांधी के वकील के द्वारा जिरह थी हमारी, उन्होंने गवाही ली और मैंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। सल्ट और प्रूफ केस लगता है क्योंकि इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने सारे मोदी चोर हैं ये नहीं कहा, नरेंद्र मोदी चोर हैं ये उन्होंने नहीं कहा, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तब तो ये न्यायालय का मामला, लेकिन हम लोगों को लगता है ये डिफेमेशन का मामला बनता है और इस मामले में राहुल गांधी जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए ताकि फिर कोई ईमानदार और अच्छे लोगों को इस प्रकार से बदनाम ना कर सके। सर एक अलग है। वहीं उन्होंने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और उस डूबते हुए जहाज को छोड़कर एक एक कर लोग चले जाएंगे। उसी कांग्रेस के साथ बिहार में नीतीश कुमार ने गठबंधन कर लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लगता है कि डूबते हुए जहाज पर सवार हो जाएंगे तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए। कांग्रेस के साथ जो भी जाएगा उसकी भी नैया डूबनी तय है, नीतीश कुमार को कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर बनने के बाद जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आरजेडी को सिर्फ 5 से 6 विधायक चाहिए, स्पीकर भी उन्हीं का है। मांझी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं। आरजेडी जेडीयू के केवल 2-3 विधायकों को भी तोड़ लेगी तो उनकी सदस्यता कोई खत्म नहीं कर पाएगा, तो इसलिए नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। नीतीश कुमार को लगता है कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में जल्दी से जेल चले जाएंगे, उसके बाद आरजेडी को तोड़ देंगे। दोनों ही दल एक दूसरे के दल को तोड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। डूबता जहाज है, अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा, और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है, इसलिए नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो
स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है। अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए, स्पीकर उनका है। माजी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। तो इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए, आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने जो बनाया है तो उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और नीतीश जी को लगता है कि जल्दी से जल्दी जो IRCTC घोटाले के अंदर जो ट्रायल शुरू होने वाला जल्दी से जल्दी शुरू हो। उनके लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है, उनको लग रहा है कि वो जेल चले जाएं तो मैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ दूंगा। ये स और मात का खेल, शतरंज का खेल हो रहा है कि राजद चाहता है कि जनता दलियों को तोड़कर मिला लें, चूँकि स्पीकर उनका है, और जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाएं तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे। तो मुझे खुशी है कि अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने मजबूरी में ही क्यों ना हो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि लालू जी बुद्धिमान आदमी, उनको मालूम है ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, इसके पहले भी उनको धोखा दे चुके, 2-2 बार धोखा दे चुके हैं। लालू जी बहुत सतर्क हैं तो कौन किसको तोड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजद के लिए जनता दलियों को तोड़ना बहुत आसान। राहुल गांधी पर मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आपको ज्ञात होगा कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में भाषण करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चोर कहा था और ये भी कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। और इस भाषण को सुनकर मैं बहुत मर्माहत हुआ, अपमानित महसूस कर रहा था, और इसे मैंने फिर पटना के अंदर उन पर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। उसी मुकदमे के सिलसिले में आज जो MP MLA कोर्ट है उसमें सुनवाई थी और मेरी गवाही थी, क्योंकि कोलार के उस भाषण में उन्होंने सारे मोदियों को चोर कहा और नरेंद्र मोदी की तुलना उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों से करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चोर हैं और सारे मोदी चोर हैं, और मोदियों की अगर पहचान की जाएगी तो और भी चोर मिलेंगे। तो ये पूरे घटनाक्रम को पर हम सब लोग काफ़ी दुखी थे, और उस समय जो CJM कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा दायर किया था, मानहानि का मुकदमा, इस सिलसिले में राहुल गांधी को पटना आना पड़ा था, उनको बेल देना पड़ा था। आज मेरी गवाही हुई है और फिर 16 सितंबर को एक दूसरे दौर की गवाही होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने पुख्ता सबूत हम लोग के पास है कि इस मामले में राहुल गांधी को अवश्य सजा होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।